भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पोठिया के मुखिया कुंज बिहारी चौधरी से बालू माफियाओं ने कट्टा के बल पर बीच सड़क पर गाड़ी रोककर 5 लाख रंगदारी का मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिससे भयभीत होकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए मुखिया ने गुहार लगाते हुए लिखित शिकायत सनहौला थाने में किया। वहीं मुखिया ने कहा, हम सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने निजी वाहन से सनहौला चौक जा रहे थे। इसी क्रम में महियामा गांव के पास प्रदीप यादव एवं उनके कई साथी बदमाशों ने हमारे गाड़ी को हथियार के बल पर रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। मेरे सिर पर हथियार सटाकर नगद 25,000 रुपया और सोना का चैन छीन लिया और कहने लगा कि तुम्हारे परिवार में सभी का नौकरी है और मनरेगा फंड से बहुत पैसा कमाया है। 5 दिन के अंदर 5 लाख तुम दो, नहीं तो जान से मार देंगे। साथ ही अगर सूचना पुलिस को दिया तो दिन रात तुम इसी रास्ते से चलते हो, किसी भी समय गोली मार देंगे। वहीं सड़क से अन्य वाहन को आते देखकर वह हथियार को कमर में रख लिया और मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागकर तत्काल इसकी सूचना प्रशासन को दी। पुनः थाना आकर रात में पुलिस को लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। अब सवाल यह उठता है कि जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। वहीं इस मामले पर सनहौला थाना प्रभारी राजीव कुमार ने मामले की जांच कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही। तो 4-5 आदमी वहां खड़ा था, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को हाथ दिया गया, हम लोग गाड़ी रोके लगा कि कुछ काम है और हम उसको व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं। मैं जब रुका वो गाली गलौज करने लगा और मेरे गले में, जो मैं बहुत दिन से लोग देखते भी थे, काफी पूरे पंचायत या प्रखंड किसी से भी पूछिएगा, मेरे गले में एक सोना का चैन था जो कि मैं मुखिया बनने से पहले से भी पहनता हूँ, और वो उसने खींच लिया। उसके बाद कमर से हथियार निकाला, लहराने लगा, मेरे माथे पर सटा दिया और मेरे पास लगभग 2320,000 रुपया था जो वो पैसा ले लिया और बोलने लगा कि 5 लाख रुपया 5 दिन के अंदर में दो, मनरेगा से अभी तुमको बहुत पेमेंट हुई है, बहुत रंगबाजी देते हो, घर में सभी लोग जॉब में है, नौकरी में है, हमको पैसा चाहिए, नहीं तो जान मार दें, और अगर तुम प्रशासन को जानकारी दोगे तो दिन रात इसी रास्ते से आते जाते हो, किसी समय गोली मार देंगे, कोई नहीं बचाने वाला। और वो नशा में धोता प्रदीप यादव, प्रदीप यादव था, शिबू यादव था और एक अंकित। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।